मैंने कैनवास रेडी कर लिया, ये वाला अपना कैनवास बिल्कुल रेडी है ट्राई पेंटिंग करने के लिए। इसके ऊपर हम लोग जो भी डिज़ाइन करना होता है उसको हम पेंसिल से ड्रॉ करते हैं। पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, आपको जो भी डिज़ाइन पसंद आया वो कर सकते हैं इसके ऊपर। मैंने पहले से ही कैनवास बना के उसके ऊपर ज़मीनी आर्ट ड्रॉ करके रखा है, जिससे हमें थोड़ा टाइम सेविंग हो सके। आप भी इस तरीके से पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। जब भी हम इस पर ड्रॉ करते हैं इस बात का ध्यान रखिए कि लाइट पेंसिल का यूज़ करें और बहुत ध्यान से ड्रॉ करें, क्योंकि इसमें रब होता है तो हमारा ब्लैक ब्लैक निशान पड़ जाता है। तो आप जब भी ड्रॉ हो जाए आपका, तो हल्का हल्का इस पर पेंसिल इरेज करके जो डस्टिंग वाले कलर्स हैं वो निकाल दीजिए इसमें से, ब्लैक कलर निकाल देंगे हम लोग पेंसिल वाला। अब इस पर हम पेंटिंग स्टार्ट करेंगे। पेंटिंग स्टार्ट करने के लिए मैंने फैब्रिक कलर यूज़ किए हैं येलो, और जो भी इसमें कलर यूज़ करना है, मुझे इस पर फेस पे येलो कलर यूज़ करना है तो मैंने येलो कलर लिया है। हैंड में येलो कलर करना है मतलब, तो बॉडी इसकी जैमिनी आर्ट में येलो कलर की होगी तो मैंने येलो कलर यूज़ किया है। तो येलो में मैं थोड़ा वाइट ऐड करके कलर बनाऊंगी। येलो में वाइट कलर ऐड करते हैं तो इस तरीके से हमारा एक हल्का येलो कलर बन के आता है जो कि हम यूज़ करेंगे। जब भी आप पेंटिंग करते हैं तो पहले मैंने आउटलाइन स्टार्ट करी सबसे पहले बनाने के लिए, जिससे कि मुझे आइडिया रहे कि इसके बाहर मुझे कलर नहीं लेके जाना है। तो ये मैंने आउटलाइन बना ली है। जेमिनी आर्ट जो हम करते हैं ये बहुत सिंपल पेंटिंग है, इसमें आपको शेडिंग का इफेक्ट नहीं देना है। सिंपल फ्लैट कलर्स करने, तो फ्लैट कलर करने में आप इजीली कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको फर्स्ट चूज़ ये करी है। ऐसी पेंटिंग ही सबसे पहले चूज़ करें जिसमें ज़्यादा शेडिंग ना हो, जिससे आप इजीली उसके ऊपर वर्क कर सकें। आपका ब्रश बिल्कुल स्मूथ चलना चाहिए पेंटिंग के लिए, इस तरीके से आप इसको कवर करेंगे। ये देखिए इसका फेस कवर हो गया, हम नेक पोर्शन कवर कर रहे हैं। सेम येलो कलर से ही फ्लैट कलर करना है हमको येलो इसके अंदर। ये मैंने एक पार्वती का फेस बनाया है, पार्वती का बनाया है जिसमें गणपति जी बैठे हुए हैं जैमिनी आर्ट पे। ये देखिए इस तरीके से जो भी बॉडी पार्ट्स हैं उसको हम सबको येलो कलर का, पार्वती के जितने भी बॉडी पार्ट्स हम लोग इसमें फिल कर रहे हैं सबको येलो कलर का फिल कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए इसमें मैंने इसके बॉडी पार्ट्स में येलो कलर फिल कर लिया है। अब मैं आईज़ के अंदर वाइट कलर फिल कर रही हूँ। बेटा आप लोग जब भी कलर करेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कलर को इस तरीके से छोटे पैलेट में लेके रखें। कोई भी चीज़ हो आप डायरेक्टली बॉटल में डिप मत करें, उससे हमारे कलर ख़राब हो जाते हैं। वाइट कलर में कर रही हूँ तो वाइट कलर में कोई भी आप ब्रश में लाएंगे तो हमारा वो कलर ख़राब हो जाएगा। तो अब इस हिसाब से इसे छोटे से पैलेट में लेके अलग से लेके कलर करिए। हम इसके आईज और मुकुट वाला एरिया वाइट कलर से फिल करेंगे। ये देखिए अब मैं वाइट कलर गणपति के फेस में कर रही हूँ। इस तरीके से मैंने इसको कंप्लीटली फिल किया है वाइट कलर से। आप देख रहे हैं कि हल्का सा इसमें ऑरेंज टच आ रहा है, वो मैंने इसलिए लिया है कि थोड़ा सा इसमें ऑरेंजिश कलर की शेडिंग आ जाती है। एक में वाइट कोट करने के बाद ये हल्का सा टच आ रहा है इसमें ऑरेंज का, जो तो थोड़ा सा इसको शेडिंग इफेक्ट दे रहा है कि ट्रंक है इनका। और बाकी जो पोर्शन है हम लोग वाइट करेंगे, इनकी ज्वेलरी है यहाँ पे। आप पिक्चर्स को देख के भी फॉलो कर सकते हैं और जिस तरीके से मैं भी कर रही हूँ थोड़ा बहुत आइडिया हमको लग जाता है। आप पेंटिंग पसंद करोगे उसमें पेंटिंग कलर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आप कलर फिल करिए, या फिर अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अब गणेश जी की जो बॉडी है हम लोग ऑरेंज कलर से फिल करेंगे कंप्लीट। तो ये मैंने ऑरेंज कलर लिया है
अब ऐसे फिल कर रही हूँ। ये मैंने इसकी जो ड्रेस के अलावा जो ड्रेस है गणेश जी की वो ग्रीन कलर से फिल करी है, आप देख रहे हैं ये सारी ग्रीन कलर की जो है ये गणेश जी भगवान की ड्रेस बनाई है। अभी जब हम आउटलाइन करेंगे इनकी तब आपको क्लियर पता लगेगा कि किस हिसाब से हम इसमें पेंटिंग कर रहे हैं। ये मैंने रेड कलर की इसमें आउटलाइन बना ली है, अब मैं इसमें डायरेक्टली कलर फिल करने वाली हूँ रेड। तो मैंने थोड़ा सा बोल्ड ब्रश लिया है ज़्यादा कलर करने के हिसाब से। आप चाहो तो पतला भी यूज़ कर सकते हो, अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग है। जैसे आउटलाइन मुझे फिल करनी है तो मैं इसमें इस तरीके से वाटर कम ऐड करिएगा इसके अंदर कलर्स के साथ में, नहीं तो हमारा डाइल्यूट फॉर्म इसमें नज़र आता है, पैचेस नज़र आ रहे हैं। ये देखिए मैंने इसमें रेड कलर कंप्लीट इसकी ड्रेस में कर लिया इस तरीके से। आप अब इसको फिनिश करेंगे। अब हमें इसमें केवल आउटलाइन करनी है, आउटलाइन करने के बाद हमें बैकग्राउंड कलर करना है। आउटलाइन करने के लिए हम लोग ब्लैक कलर का यूज़ करेंगे। वैसे बताया मैंने आपको कि हम सारा कलर यूज़ नहीं करते हैं, साइड में मैंने थोड़ा ब्लैक कलर लेके रख लिया है, उसी से मैं आउटलाइन करूँगी इसकी। इस तरीके से हम लोग छोटे ब्रश पतले ब्रश के साथ जो थिन ब्रश है उससे हम लोग आउटलाइन करेंगे इसकी। आप एक ही फॉर्म में ब्रश चलाएंगे, ऐसा नहीं कि पतला कहीं रुक गया, इस तरीके से नहीं, ब्रश चलने का एक पैटर्न होना चाहिए। यहाँ पे मैंने ब्रॉड किया है, ज़्यादा थिन था। अब मैं पूरी जो ये है पेंटिंग उसको इसी तरीके से ब्लैक पेन ब्लैक कलर से आउटलाइन करूँगी। ये देखिए इसमें आउटलाइन कंप्लीट हो गई है। हम लोग अब इसे थोड़ा सा मैं गोल्डन कलर से टचअप को दूंगी जिससे ये सुंदर हो। एक बार आप चेक कर लेंगे हमारी कहीं आउटलाइन अनइक्वल तो नहीं है। तो ये मैंने ड्रेस के फॉल दिए हैं इस तरीके से। गोल्डन कलर से थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ साइड की बाउंड्री को, क्योंकि माता की फोटो है भगवान। थोड़ा सा मुकुट इसका गोल्डन फॉर्म में हम रेडी कर रहे हैं, टचअप देते हो। अब इसमें हम लोग केवल आउटलाइन करेंगे,
ये। अब बैकग्राउंड कलर करना है हमें, हम बैकग्राउंड कलर करेंगे थोड़ी सी इनकी साड़ी में डिजाइनिंग बना रहे हैं इस हिसाब से डॉट डॉट बना के। इस तरीके से मैं कंप्लीट रेडी कर रही हूँ। ये देखिए अब हम इसके बैकग्राउंड को कलर कर रहे हैं। इस तरीके से मैं इसमें आउटलाइन बना रही हूँ साइड में इसके, जिससे फाइनली फिनिशिंग से बैकग्राउंड मेरा कवर हो जाए। ठीक है, मुकुट के साइड में इस तरीके से मैं पूरा बैकग्राउंड का कवर करूंगी। ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया इसकी आउटलाइन। अब मैं थोड़ा सा फिनिशिंग दे रही हूँ इसे, जिससे कहीं से भी अनइक्वल ना लगे। सही, देखो बेटा हमारी ये पेंटिंग कंप्लीट हो गई है। आप भी इसी तरीके से अपनी पेंटिंग बनाइए और शेयर करिए। हो सके तो कैनवास घर पे बनाइए, जिससे आप सेफ़ रह सकें और उसी पे पेंटिंग बनाएं। अदरवाइज आप मार्केट से भी ले सकते हैं अगर आपको इजीली प्रिपेयर हो जाता है तो। इस तरीके की आप पेंटिंग बनाओ और अपने, ये फोक आर्ट कहलाता है, जैमनी मैंने फोक आर्ट बनाया है। आप मधुबनी आर्ट या इसमें कोई भी आप तरीके की पेंटिंग्स को ले सकते हैं और बना सकते हैं। थैंक यू।